Hi guys, so welcome to Crash Course. This is CA Final Paper 5 new course, that is Strategic Cost Management and Performance Evaluation. Now this paper 5 has been changed by the institute. ये वैसा नहीं है जैसे पहले था. एक तो OR has been removed that everybody knows now. Apart from that, अभी questions जो हैं थोड़े से अलग style के हैं. It's not of the style जैसे वो पहले आते थे. पहले questions के ना mainly सिर्फ calculations आता था या purely theory questions आते थे. लेकिन अभी जो questions का trend होगा, that will be kind of thinking question. Those are judgmental questions. Okay, तो आपका सोचने का pattern is going to be वो different. आपका writing skills now will matter a lot. Okay, क्योंकि सिर्फ आपको calculations नहीं दिखाना है, आपको वहाँ पे अपने views भी express करने हैं. So ensure that you learn costing in a proper way. तो हम लोगों ने क्या किया है, जो मैंने आपको book दिया है, that is a textbook come a workbook. Everything will be written right over there only. आपको notebooks की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है. शायद एक दो question के ना जहाँ पे शायद मैंने गलती से कम जगह तो वो छोड़ा हो. Okay, there you all can use your notebooks. Apart from that, आपके module के अंदर 13 chapters हैं in all. आपकी इस book के अंदर I have put 20 chapters. First 20 are the practical topics. उसके बाद आपके notes हैं. और फिर उसके बाद योर थ्योरी स्टार्ट्स. थ्योरी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा डिफाइन दिस डिफाइन दिस डिफाइन दिस, वैसा नहीं आएगा. इट बी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी. ओके, सो अगर आप लोग थ्योरी को रट्टा भी मारोगे उसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होने वाला. आपको वो वाला थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कॉस्टिंग का एज आई टोल्ड उन लोगों ने थोड़ा सा पेपर पैटर्न्स भी वो बदले हैं. एग्जाम्स के अंदर आपके इंडेक्स के अंदर अगर वो आएंगे, आई हैव रिटन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. तो इंडेक्स के बाद एक तो इंडेक्स के ना फर्स्ट 20 चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल चैप्टर्स. ओके, देयर यू विल रिक्वायर द सम्स अप एंड सो ऑन. वहाँ पे आपके केस स्टडीज वगैरह ऑल्सो आई हैव ट्राई टू कवर वॉट एवर आई थिंक वर मोस्ट रेलिवेंट विद इन द शॉर्ट टाइम दैट आई हैड टू बी डूइंग, दैट आई हैव डन. आपके इंडेक्स के बाजू में देर इज अ टॉपिक वाइज वेटेज जो इंस्टीट्यूट ने दिया है. सो इंश्योर दैट यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. आपको पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके एंड में आपके पास आईसीए का स्किल वेटेज है फॉर कॉस्टिंग. स्किल वेटेज मतलब आपका जो पेपर पैटर्न होगा कैसे होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज 10 to 15% मार्क्स के लाएगा, मतलब योर थ्योरी पोर्शन. ओके, और वो थ्योरी भी एज आई टोल्ड शायद डायरेक्टली ना आए, सम्स के अंदर वो इनबिल्ट आए. फिर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन 45 to 55% ऑफ द मार्क्स, मतलब ये आपके सम्स टाइप होंगे. एंड लास्टली इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, जहाँ पे सम जजमेंट बेस्ड थिंग्स, केस स्टडीज, ऑल दो थिंग्स विल बी आस्क्ड. एग्जामिनेशन के ना 6 क्वेश्चंस होंगे. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, फर्स्ट बीइंग कंपल्सरी. ओके, तो कॉस्टिंग के अंदर हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं सीखने वाले. देयर विल बी नथिंग एक्सेप्ट प्योर कॉमन सेंस. कॉस्टिंग इज वन सब्जेक्ट, आपको बाकी पेपर्स के अंदर भी हेल्प करेगा. इट विल इम्प्रूव योर थिंकिंग अलॉट. ट्राई करना जब आप लोग कॉस्टिंग वो कर रहे हो, थिंक विद योर इंडिपेंडेंट माइंड. मोस्टली क्या होता है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक हो जाती हैं, फिर हमको लगता है ये इतना ईजी हमको कैसे स्ट्राइक वो हो गया. शायद हम लोगों ने कुछ ना कुछ वो गलत किया रहेगा. मोस्टली दैट इज़ द स्टेप वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ओरिजिनली तुम लोगों ने जो सोचा होगा वो करेक्ट होएगा. So this is all business, okay. So if you love money, if you love the real life situations, how they change, then it's the best subject to do also. Honestly, scoring 70+ is not very difficult in this entire subject, but provided you follow the basics, do everything. That is one best way to go in exams. Second thing, in this case, write all the working notes that is necessary in exams. They evaluate the marks based upon that, okay. And write in a handwriting that the other guy can understand, okay. और जो चीज़ें हैं वो आप लोग रेलेवेंट लिखो. क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है अगर आप उसी का आंसर दोगे, दैट इज वेयर द मार्क्स लाइज. कुछ और बात करोगे, मार्क्स विल नॉट लाई ओवर देयर. ओके, सो आई गेस यू ऑल हैव कम गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवे विद द क्रैश कोर्स नाउ. देयर विल बी 27 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली. आई गेस स्टार्ट करेंगे तो पता वो चल जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 2 hours each. Okay, in 27 lectures, I'm trying to cover up all the concepts of costing that I think should be done for you all. Okay, so it's a new thing. Let's start with this particular subject. If you have done anything before, that might be of help, might not be of help. So try to learn this thing, how it should be done as such. Okay guys, let's start now. Chalo guys, we'll start. Now what in Crash Course, I'm trying to do whatever I think can be coming for exams, okay. Assuming that you all do not know anything of costing, so I'm trying to teach up the things in that particular manner only. Okay, so let's start with the introduction. What I've tried to do, your textbook is kind of your notebook also, okay, so you might not require your notebook for the entire Crash Course. So place is kept in the textbooks to write all the things, okay, whatever we might require, the solution and everything, okay. So I think that much space should be enough. In case it is not, then you can use your notebooks. Okay, so let's start please. So, your big chapter under costing will always be decision making. Now for decision making, what I require is small kind of funda of marginal costing. That is what I'm trying to be doing as such. Now out of 100 marks, whether old course or new course, this thing should be around for 30 to 40 marks. Okay, major of your portion is this particular thing only. Okay, so your chapter number 1 and your chapter number 2, I've tried to keep for decision making wala part. Out of that, chapter number 1 is a very small part. Okay, so chapter number 1, I'm only trying to teach you one small thing. How to make cost sheets using absorption costing and using marginal costing. That's what I'm trying to do as such. Okay, so therefore there are two techniques of costing that are there. Either it is called as absorption costing or it is called as marginal costing. Your initial part, and sometimes it is asked in exams also, try to make a cost sheet through absorption costing, try to make a cost sheet through marginal costing, and try to differentiate that why the hell there is a profit difference between this figure and that figure. Okay, so that's what we all are starting as such. Okay, keep phones off please in the class. Suno meri baat. Now your regular cost sheet now has changed. It is not the same format that you all have learnt at IPCC level. Few things that have changed. So we still start with direct material consumed. Direct material consumed, how does it get calculated? Opening stock, add purchases, less closing stock. Then you will be having direct labor, then you have direct expenses. This will be giving you prime cost. Prime cost ke baad, mere khayal se IPCC ke andar we were always adding what over here? Factory overheads. Then you adjust what over here? WIP stock. Once you add factory overheads, okay, these days most of the people call that cost as gross factory cost. Then you start to adjust your WIP stock. Adjust matlab you add up opening stock of WIP. Uske baad you less your closing stock of WIP. Once you do that, this will be now called as factory cost. Now under the new format, what has changed? Originally, factory overheads included all the overheads which are incurred in factory. So therefore, it could be say electricity, it could be say rent of the factory, it could be say the salary to the manager, etc. Next thing that I'm saying, not relevant, but just trying to stay a bit updated and nothing else. Factory overheads now will exclude any expense that is incurred for administration of the factory. Example ke taur pe, I have a factory manager, okay. I tell him you have to take care of the factory in a proper way. He's not a worker, okay, but he is there for admin of the factory. Such expenses are now excluded from the definition of factory overheads. They have a separate head which will come now, okay. Suppose in factory we have installed say CCTV cameras, okay, so therefore that is helping us in trying to admin the factory in a proper way. So therefore we remove such expenses also from here. So any expenses that are incurred for admin of the factory gets removed from here. If they get removed from here, then where are they put? They are put over here right now. So therefore one new thing that comes over here, these are admin overheads for admin of factory. Yaad rakhna, these are not your office expenses, okay, these are still your factory overheads, but now they are removed from here and put over here, okay. Now once you do this, this is your COP. whatever cost sheet you all might have learnt in life, वहाँ पर ये वाला चीज नहीं आता था, याद करो वहाँ पर क्या आ जाता था, admin overheads, okay, but now जो तुम्हारे time का जो admin overheads था, that was your office expenses, like you know you have accountant, you pay him, you have a secretary, you pay her, and so on. वो वाला expenses अभी वो निकल ही गया है, वो किधर और आएगा, that I'll tell you in just a while. उसके बाद you start to adjust your finished goods stock, opening stock of finished goods. उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. Once you do this, this will be nothing but cost of goods sold. And finally, the last thing over here, all the office expenses जो पहले इधर आता था, now those will start to come over here. These are admin overheads. Okay, admin we popularly now call them as general admin overheads. तो जो भी ऑफिस का खर्चा है will start to come under this particular head. Okay. Once you do that, it is the same routine thing that you all have done. So therefore, add S&D. This will start to give you cost of sales, add profit, and finally this will give you sales. This is a new format of cost sheet that ICWA has prescribed. Although in final say it doesn't make a difference for us, but just for your reference, I have told you that. Okay. Now, assuming this expense is not there, okay, there are only two or three kind of examples for this. You will have, as I told, the salary to the factory manager, the expenses that are incurred, say, for the CCTVs up and so on, okay. If I delete this particular part, okay, this will be kind of your new format. If that part is also there, please you can put in that thing also. Now, what we have to be doing, how to make this cost sheet based upon absorption costing and based upon marginal costing. Okay, so in this case, no, this is your regular cost sheet, okay. इस रेगुलर कॉस्ट शीट के ना व्हाट वी ऑल आर ट्राइंग टू डू, सुनो, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. फैक्ट्री ओवरहेड्स का दो पार्ट होता है, वन पार्ट विल बी वेरिएबल, अदर पार्ट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ओके. लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर कभी मैं पर यूनिट का कॉलम भी बनाऊं, पर यूनिट निकालने के लिए वी डिवाइड बाय विच क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उतना याद रखना. एक वो जो बीच में स्मॉल हेड है उसके बारे में वो नहीं भी बात करेंगे, दैट इज ऑल फाइन. उसके बाद WIP स्टॉक गेट्स एडजस्टेड, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक गेट्स एडजस्टेड, और उसके बाद ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट्स टू कम. नाउ ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम सेइंग आर रिटन बिलो COGS. तुमका पर यूनिट बुलाने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड बाय विच क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड. The first rule for you to remember, absorption costing also called as traditional costing, traditional costing also called as conventional costing, okay. Now this is the format of cost sheet if you are going to be doing absorption costing. If you will be doing your marginal costing, then it all changes. That I'll brief you up after some time. So abhi absorption costing, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तीन रूल याद रखना. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली अप्लाई टू ओवरहेड्स, फर्स्ट रूल. इट डज नॉट अप्लाई टू डायरेक्ट कॉस्ट, ओके, फर्स्ट रूल. सेकंड, इन ओवरहेड्स ऑल्सो इट विल ओनली अप्लाई टू वन सिंगल टाइप ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओके. थर्ड रूल, जिन लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो बनाया था, दीज गाइज वर ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन that you can always forecast how much you will produce. You cannot forecast how much will you sell. So these guys then made the third rule. We will only apply to those fixed overheads which are dependent upon production. Okay. So therefore, जरा सोचो अभी तुम्हारी इस पूरी कॉस्ट शीट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स किधर किधर है. सर एक इधर है, दूसरा एक इधर है, दूसरा सॉरी थर्ड जो है वो इधर है. इसके अंदर भी वो ये सब कुछ हो ही सकता है. But absorption costing out of the three heads will only apply to those fixed overheads which are dependent upon what factor? Production. So therefore, in reality, it does not apply to this. It does not apply to this because they are written below what are COGS. If they are written below COGS, we don't try to divide them by quantities produced, we try to divide them by quantity sold. तो absorption costing in reality एक ही चीज को apply होता है. कौन सी चीज को? Fixed factory overheads. अभी ऐसा rules क्यों बना? ऐसा rules बना because of few things. जरा सोचो, I have to find out say cost of making this pen. Okay, ये pen का जब मैं एक unit बनाएगा तो direct material directly pen के लिए ही लग जाएगा. वर्कर्स को मैं एक पेन बनाने के लिए पैसा देगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है वो भी इसी पेन के लिए वो लग जाएगा। तो टोटल ऑफ ऑल दिस इज नथिंग बट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। यू विल मेक वन मोर यूनिट, दिस कॉस्ट विल अगेन गेट इनकर्ड। यू विल नॉट मेक वन यूनिट, विल नॉट गेट इनकर्ड। लेकिन अगर इसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है तो जरा सोचो, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एग्जांपल ये पेन एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, फैक्ट्री का रेंट भी होगा। ओके, अभी रेंट मैं एक यूनिट बनाऊं, 10 यूनिट बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, रेंट विल बी स्टिल रिमेनिंग सेम ओनली। लेकिन कई लोगों ने क्या सोचा कि यार रेंट का खर्चा एक पेन बनाने के लिए तो नहीं हो रहा, ओके वो तो बस एक फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन फिर भी पोर्शन ऑफ दैट फिक्स्ड कॉस्ट हैज टू बी चार्ज टू एवरी पेन। अल्टीमेटली ऐसा सोच सकते हो, रेंट क्यों पे कर रहा हूं, क्योंकि गुड्स बनाना है, ओके सो देयरफॉर आई विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ दैट रेंट टू ईच एंड एवरी पेन। ये वाला चीज किसने तुमको वो करके दिया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक ही एम है एंड दैट इज हाउ टू चार्ज फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी to each and every unit that the company will make, that's it, okay। जो भी मैं unit बनाऊंगा उसको fixed overheads भी charge कर देने का, that is whatever is the only aim of absorption costing, ठीक है। Absorption costing क्या बोलता है? Fixed cost, lump sum cost तो होएगा, लेकिन आप उसको per unit बनाओ, क्योंकि अपने को उसको हर एक unit को charge करना है, that is the thinking of absorption costing, ठीक है। It helps me to convert a period cost into a product cost। पहले कोई मेरे को वो पूछता था कि तुम्हारा रेंट का खर्चा कितना होता है, सपोज आई एम सेइंग से 10 लाख रुपीज पर एनम, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तेरे को क्या करके तो वो दे देगा, दिस इज कॉस्ट फॉर द एंटायर ईयर, लेट्स चार्ज पोर्शन ऑफ 10 लाख टू ईच एंड एवरी यूनिट, ओके दैट इज व्हाटएवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल डू। और ये वाला काम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे वो कर लेगा? बाय समथिंग कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कंप्यूट होता है? इट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। उसका मतलब क्या? फर्स्ट डे तुम सोचो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीस का होगा, सपोज मैंने सोचा 10 लाख रुपीस का होगा, ओके। सेकंड, आप ये सोचो आप इस साल कितना यूनिट्स बनाओगे, मेरे को लगता है सर इस साल ना मैं 1 लाख यूनिट्स को बना दूंगा, सो देयरफॉर माय एब्जॉर्प्शन रेट इज हाउ मच यार, 10 पर यूनिट। ये 10 पर यूनिट का मतलब क्या होता है? proportionate fixed cost for each and every unit is going to be kitna rupees here, 10, okay। Fixed cost originally is a period cost but we convert it to product cost by means of absorption rate। Absorption rate is also called as recovery rate, it is also called as application rate, okay। Textbook question number 1 zara padho। What are two branches of costing? You have first that I'm trying to explain you now, that is your absorption costing. Second is marginal costing, that is still pending. How does absorption costing work? It works with the help of absorption rate, recovery rate, application rate। आगे एक और नाम वो लिखने का है तो charging rate। Charging rate। Third, how is absorption rate computed? Absorption rate is equal to BOH divided by BLA. Now listen, मेरी तरफ जरा देखो। अभी एब्जॉर्प्शन रेट जो है, मैंने सोचा मेरा इस साल का फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपीस का होगा, मैंने सोचा इस साल number of units produced will be 1 lakh, okay so therefore my absorption rate will be coming to ₹10 per unit। जरा सोचो अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना, उसका मतलब क्या है? सर जो भी यूनिट बनाते रहोगे उसको कितने रुपीस का फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज हो जाएगा? 10 रुपीस। थिंक द नेक्स्ट थिंग, मतलब ऑल द 1 लाख यूनिट्स विल बी गेटिंग सेम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹10 ईच, ओके। When would you like to give same fixed cost to each and every unit? When all the units are same। So therefore this method is only followed when a company is a single product company। Single product company मतलब example के तौर पे I only make pens like this, that's it, मेरा और कुछ production वो है ही नहीं। That time all my pens are same, all the pens should be getting same fixed cost, okay you follow this particular method, all the products will get the same fixed cost। वरना आज की डेट में वी ऑलवेज से कोई भी कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट तो नहीं बनाता होगा, दे माइट बी मैन्युफैक्चरिंग मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Example, suppose say Apple hai, it makes an iPad, it makes an iPhone, okay, it makes an iWatch. In iPad also, it manufactures so many types of iPads, okay. So therefore, most of the companies these days might not produce only one single type of product. Then what to do, okay. So therefore, then we say this method is not suitable. By the way, this particular method is going to be called as output method. Output method matlab denominator is predicted in terms of units. Agar aisa hai, matlab if it is given to you in the question, company manufactures one type of product. It is time for you to be following output method. Okay. Varna jo bhi karna, output method mat follow karna. Okay. Suppose question ke liye to wo diya hua hai, we manufacture many types of products. There is a hint for you that you are not supposed to be following which method? Output method. Okay. Then if output method you all will not follow, then what to follow? Okay, then I have another method. You can follow machine hour method. Machine hour method का मतलब क्या है? Denominator में आप लोग ये मत लिखो कितना units बनाओगे। आप ये सोचो जितने भी units बनाओगे अलग अलग type के products वगैरह, सब चीजों का मिलाकर कितना मशीन आर्स लग जाएगा। मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया तो पता चला इस साल के अंदर 2 लाख मशीन आर्स का अपना काम होगा। सो बस नाउ माय एब्जॉर्प्शन सिस्टम हैज चेंज, इंस्टेड ऑफ 10 पर यूनिट इट हैज बिकम कितना यार 5 पर मशीन आर। सो देयरफॉर अभी ये 5 पर मशीन आर का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनने के लिए अगर 1 मशीन आर लगता है, charge 5 rupees of fixed cost. याद रखना absorption costing only deals with one thing and that is nothing but fixed cost. Okay. I manufacture X also, Y also, Z also. X बनाने के लिए 15 hours जाता है, Y बनाने के लिए 17 hours जाता है, Z बनाने के लिए 20 hours जाता है. Okay. So therefore to each unit of X you are going to be charging 75, each unit of Y you will be charging 85, each unit of Z you are going to be charging 100. So automatically a product which will be taking more machine hours will start to get more amount of overheads also. Exactly on the similar lines you have your next method also. Instead of machine hour method you can follow labor hour method. तो denominator के अंदर machine hours के बदले में what will start to come? Your labor hours. ठीक है? Exactly on the same particular lines. Now next. This will be called as percentage of labor cost method. याद रखना in every method what I change for you is not the numerator. What I change for you is only the denominator. क्योंकि fixed cost तो इतना ही रहेगा. आप fixed cost को charge कैसे करते हो? That basis is getting different all times. अभी percentage of labor cost method के ना what to do? In the denominator you write down इस साल के अंदर कितने labor cost का खर्चा होगा. मेरे को लगा इस साल ना लेबर कॉस्ट का खर्चा 20 लाख रुपीस होगा, तो अब जरा सोचना दिस इज ऑल्सो रुपीस, दिस इज ऑल्सो रुपीस, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, कन्वर्टेड इनटू अ परसेंटेज, दिस विल बी नथिंग बट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट. ओके, अभी 50% ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 100 रुपीस का लेबर कॉस्ट का खर्चा होता है, चार्ज 50 रुपीस एज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड. सपोज वन ऑफ माई प्रोडक्ट इज P, वन ऑफ माई प्रोडक्ट इज Q. P का एक यूनिट वो बनाने के लिए 300 रुपीस का लेबर कॉस्ट का खर्चा होता है. Q का एक यूनिट तो वो बनाने के लिए 400 रुपीस का लेबर कॉस्ट का खर्चा होता है. सो देयरफॉर अगर लेबर कॉस्ट का इतना खर्चा वो होता है, बेस्ड अपॉन दैट हाउ मच फिक्स्ड ओवरहेड्स विल गेट चार्ज यार 150 एंड 200. सो बेस्ड अपॉन द लेबर कॉस्ट यू कीप ऑन चार्जिंग. 2 लास्ट ऑप्शंस, अगर तुमको लेबर कॉस्ट मेथड नहीं फॉलो करना, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फॉलो मटेरियल कॉस्ट मेथड. लास्टली इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट टू फॉलो प्राइम कॉस्ट मेथड. वहां पे डिनोमिनेटर के अंदर लेबर कॉस्ट के बदले में विच कॉस्ट विल स्टार्ट टू कम, या मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तुमको बहुत ज्यादा काम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर वो आएगा. ओके, बट जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन आई रिक्वायर दिस. सो देयरफॉर दीज आर 6 मेथड्स दैट आर टू बी फॉलोड. याद रखना इफ कंपनी इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोइंग विच मेथड? आउटपुट. बट मोस्टली यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज ओनली. ओके, सो दैट टाइम वॉट एवर सूट्स योर कंपनी ट्राई टू फॉलो वन ऑफ देम. लास्टली आउट ऑफ दीज 5 मेथड्स, ये तो is only to be followed whenever company is a single product company. Out of the remaining 5 methods, your this method and this method are most famous methods. तुम्हारा IPCC का 80 या 90% जो क्वेश्चन था मशीन आर और लेबर आर मेथड के ऊपर ही होता था. तो if ever you have a choice in some chapter, you can decide which method to follow. Machine hour and labor hour methods are most famous. Okay, textbook question number 4. What are 6 methods to express BLA? लिखो फर्स्ट आउटपुट मेथड, Second, machine or method. Third, labor or method. Fourth, percentage of labor cost method. Fifth, percentage of material cost method. Sixth, percentage of prime cost method. So, out of 6, to continue, I am taking one of the 6 methods, okay, to continue my example. So, I started to think, यार absorption rate निकालना है, तो आप एक काम जरा करो, आप सोचो, इस साल का आपका fixed factory overheads का खर्चा कितना होगा? Whenever you are trying to estimate, it's called as budgeting, okay? So therefore, I wanted budgeted fixed factory overheads. In your normal language, it is nothing but BOH from now, okay? Budgeted overheads. तो मैंने estimate करना start किया, मेरे क्या-क्या खर्चे होंगे? Say that मेरा factory का rent कुछ ना कुछ था. Say that in this case, wages of those workers who are not concerned with production, we call such wages as indirect wages. जो लोग workers, जो झाड़ू मारता है, and so on वगैरह, okay? जो machines को जो grease वगैरह करता है, all those particular things. Say that depreciation of plant and machinery. मैंने ये सब expenses estimate किए. Total आया, suppose 1 lakh, okay? This is nothing but budgeted overheads. I thought out of 6 methods, my company produces one single type of product. I will rather follow say output method. Okay. So therefore, मेरे को लगा इस साल 25,000 units I'll be making. So my absorption rate will be coming to how much? 4 per unit. Now this rate, we all try to call this particular thing as absorption rate. अभी traditional accountants ने क्या किया? They thought कि ना इस rate के आसपास एक नया system वो बनाते हैं of accountancy. Okay. So therefore, that used to be called as conventional system, okay? And how does that conventional system work? They told, from now, ये वाला rate हम लोग कैसे apply करेंगे? उन लोगों ने क्या बोला? इस rate का आज से मतलब ये होगा, whenever you actually produce 1 unit in your factory, charge ₹4 in your books of accounts. याद रखना, I'm not incurring 4, okay? You will understand one thing. मैं हर यूनिट के बाद रेंट नहीं पे करता हूँ, मैं हर यूनिट के बाद मैं डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करता हूँ, मैं हर यूनिट के बाद वो झाड़ू वाले को तो वो पैसा वो नहीं देता हूँ, ओके? लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? Although you are not incurring, but boss you charge, okay? Charge का मतलब तुम्हारे manufacturing account के debit side पे ₹4 लिख देने का. Whenever you will actually produce 1 unit, charge ₹4, okay? जरा सोचो. मैंने ऐसा estimate किया था कितना units बनाऊंगा 25,000 वो तो estimate था तो estimate तो you all can think anything in life okay but सच्ची के अंदर suppose 26,000 units बन गया okay जब भी एक-एक unit बनता था कितना रुपीस charge कर देता था 4 so therefore 26,000 units into 4 this amount will be nothing but 1,04,000 This amount in costing we popularly called as absorbed amount, okay? बस एक चीज जरा याद रखना, ये amount का ना दुनिया में कोई use नहीं होता, okay? This is just a फालतू damn figure. You computed bloody some rate, okay? That rate you all have applied to your actual production, and this is just simply called as absorbed amount. There is no interpretation of this as such, okay? This is your absorbed amount, ठीक है? फर्स्ट डे मैंने एस्टिमेट किया था मेरा फिक्स्चर्स का खर्चा कितना होगा 1 लाख अभी जब भी लास्ट डे आ जाएगा तो मेरे पास एक्चुअल रेंट भी आएगा एक्चुअल इंडायरेक्ट वेजेस भी आएगा एक्चुअल डेप्रिसिएशन भी आएगा सपोज सच्ची के अंदर 1,30,000 रुपीस का खर्चा वो हो गया याद रखना तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितना अमाउंट चार्ज हो चुका है 1,04,000 क्योंकि जब भी एक यूनिट वो बनाता था ₹4 चार्ज करता था तो साल के एंड में एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट से दिख गया, लेकिन साल के एंड में अभी तुमको एक और अमाउंट भी तो दिख जाएगा। कौन सा वाला अमाउंट? एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल के अंदर जो खर्चा है कितने रुपीस का, वो हो गया 1,30,000। बस जब भी तुम लोग बहुत छोटे थे इन आईपीसीसी, this 26,000 used to be called either as under absorption or as over absorption, okay? ये जो 26 है एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है, सो आई विल कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर दिस अमाउंट वुड बी हायर देन दिस, देन वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज ओवर एब्जॉर्प्शन। लास्ट थिंग, जब आईपीसीसी के अंदर थे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए यू ऑल हैव लर्न 3 मेथड्स। सर ईदर आई विल कैरी फॉरवर्ड 26,000 टू द नेक्स्ट पीरियड, फर्स्ट दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड मेथड। Second, sir, we will write it off against cost of sales. That was your second method. And third particular thing in this case, we will follow something called as supplementary method. अब ये तीन methods क्या होते हैं? I will try to demonstrate in the questions itself, not right now. Okay. So textbook question number 5. How do we get absorbed amount? तो एक second देखो, absorbed amount अपने को कैसे मिलता है? एब्जॉर्प्शन रेट इंटू 26,000। बेटा 26,000 क्या है? इज इट योर BLA? नो, इट इज योर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो लिख के रखो इज इक्वल टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इंटू एब्जॉर्प्शन रेट। इंटू एब्जॉर्प्शन रेट। Next line, question number 6. How to get under/over absorption of overheads? आप लोग ये दोनों चीजें you all can write. Absorbed amount cross, actual amount cross. The difference will be under/over absorption. Question number 7. What are 3 ways for treatment of under/over absorption of overheads? Likho first. Carry forward to the next period. Second. Adjust in cost of sales. Third, follow supplementary method. Question 8. What are 3 ways for treatment of question number 8. Absorption and marginal costing applies to which overheads? I think that I told right in the beginning only. It applies to overheads. It applies to fixed overheads. It only applies to those fixed overheads which are dependent upon what factor? Production. तो लिखो जरा please, तो एक ही लाइन बोल लिखो. It only applies to those fixed overheads which are dependent on production. चलो, वो जो डिफरेंशिएशन है that we are going to be doing after one question, not right now. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 10 we all are starting. उधर आ जाओ प्लीज, पढ़ो. Amazing Limited manufactures a single product. तो सिंगल प्रोडक्ट को अंडरलाइन करो, उसके नीचे तुमको क्या लिखना चाहिए? आउटपुट मेथड। फर्दर द फॉलोइंग फिगर्स आर बजटेड फिगर्स फॉर 1 ईयर पीरियड। ठीक है, तो दीज आर बजट्स फॉर 1 ईयर। एक्टिविटी लेवल 50%, एक्टिविटी लेवल 100%, Sales and production 400 units, 800 units. Sales 8 lakhs, obviously for 400 units, for 800 it will become double, वो obvious बात है. Production cost, direct material, okay, direct labor, okay, variable factory overheads, fine, fixed factory overheads. Fixed factory overheads, if you will try to see, चाहे 400 यूनिट्स बनाओ चाहे 800 यूनिट्स बनाओ, आगे बोलो वो वाला खर्चा तो सेम ही रहेगा, सो इट्स सेम एट बोथ द प्लेसेस. उसके बाद वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिन. मेरी तरफ जरा देखो, इन रियलिटी ऑल्सो नो यू विल नोटिस दिस पर्टिकुलर थिंग. सर फैक्ट्री ओवरहेड्स का दो पार्ट होता है सर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. सर S&D का भी दो पार्ट होता है सर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. But usually all your admin overheads are fixed only in nature. खुद ब खुद जरा सोचो, ये तो ऑफिस का खर्चा है. How the hell it will ever depend upon quantity produced or quantity sold? So you will see this particular thing in the questions also. आपको variable admin जैसा कुछ खर्चा those guys will not even try to give also, okay? Because those expenses are always fixed, okay? Let's continue further. So fixed selling and administration cost 240,000 obviously at both the places. The normal level of activity for the year is 800 units, okay. Fixed costs are incurred evenly throughout the year, ठीक है. Actual fixed cost, variable cost and selling prices are 25%, 5% and 10% more than the budgeted. There were 20 units of the product at the beginning of the year. In the first quarter, 220 units were produced and 160 units were sold, ठीक है. Required A. What will be the profit using absorption costing? Second, what will be the profit using marginal costing? Third, why there is a difference between answer to part A and B? Let's start. सुनो मेरी बात देखो. तो if you have to find out the profits, we'll simply try to make a cost sheet and try to come across the answer. ठीक है? जब cost sheet बनाएगा ना, I will require all actual figures. आपके पास question के अंदर जो figures हैं, those all budgeted figures. Okay. So I'm making one small kind of a table to try to get all actual figures. Okay. तो लिखो जरा please, write down. उसी page पे you all write down calculation of actual selling price actual variable cost and actual fixed cost. So we'll have one particulars, uske baad budgeted, whatever are the changes we will have that, and we'll have actual over here. Just so, if ever you have a choice, उन लोगों ने sales वो दिया रहेगा, लेकिन you should always try to remember, sir, sales एक एक unit से मिलता है. So what I would like to record is selling price. तो लिखो इधर selling price. तो calc लो, या 8 lakhs upon 400 कर लो, या 16 lakhs upon 800 कर लो. तुमको जो selling price मिलेगा, obviously वो same ही मिलने वाला है. So anything you might do and put it over here. So, budgeted selling price was supposed to be 2,000. Then, direct material. Main taraf dekho, direct material is again a per unit cost that is supposed to be a variable cost. So, kabhi bhi direct material nikalte ho, slightly better per unit hi nikala karo. So, either you can do 160,000 upon 400. या फिर वो बाजू से 320,000 upon 800. तुम्हारा जो पर यूनिट आएगा बेटा वो सेम ही आएगा. कितने रुपीस का आ जाता है? 400. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट या 1.2 लाख्स अपॉन 400 या 2.4 लाख्स अपॉन 800. कितना आ जाता है? 300. उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 400, ऑब्वियसली वहां से भी कंप्यूट करोगे तो भी वो ही आने वाला है। अच्छा, लेकिन याद रखना फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कभी एक यूनिट के लिए तो नहीं होता, वो तो एक लमसम फिगर होगा। सुनो नाउ बिफोर आई कंटिन्यू, देखो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स चाहे 400 यूनिट्स बनाओ चाहे 800 यूनिट्स बनाओ, उसका खर्चा कितने रुपीस का होएगा, 1,60,000। नाउ दिस इज द डेटा फॉर 1 ईयर, लेकिन नीचे इफ यू विल सी नो लास्ट पैराग्राफ, actual fixed cost, actual variable cost, blah 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 has increased by this much, they were 20 units, वो आगे ठीक है, अभी आगे जरा पढ़ो। In the first quarter 220 units were produced and 160 were sold. इस क्वेश्चन के अंदर सच्ची का जो पीरियड बीता है that is only how much year, that is only in this particular case 1 quarter. So I would only find out the profit for 1 quarter. You can only find out the profit. You can only find out the profit for that period which is over, no? Okay. तो बाद में जब भी cost sheet बनाएंगे you will make cost sheet only for 1 quarter. तो I am writing fixed factory overheads per quarter. तो 1,60,000 का खर्चा सोचा था फॉर 1 क्वार्टर। सम के अंदर एक लाइन भी है, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, सो देयरफॉर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, तो ये वाला खर्चा कितने रुपीस का होने वाला था, 40,000। ये सारे कॉस्ट अभी तक पर यूनिट थे, लेकिन ऑब्वियसली ये फिक्स्ड कॉस्ट है। आगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, या 1,60,000 upon 400 कर लो या 3,20,000 upon 800 कर लो, बेटा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। वो कितना आता है, 400। उसके बाद लास्ट थिंग फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा, it's 2,40,000 for a quarter, sorry for a year, so therefore it should become कितना for a quarter year, 60,000. It is per quarter. अच्छा, अभी नीचे चेंजेस जरा चेक करना स्टार्ट करो। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, 25%। तो फिक्स्ड कॉस्ट बेटा एक इधर है और एक इधर है, ये 25% से बढ़ गया, ठीक है। आगे वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ गया। सुनो, वेन एवर दे विल से वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, प्लीज डू रिमेंबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हैज इंक्रीज्ड, ओके, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही होता है। तो ये 5% से बढ़ गया, ये 5% से बढ़ गया, ये 5% से बढ़ गया, ये 5% से बढ़ गया। सेलिंग प्राइस वो 10% से बढ़ गया। Just compute all the new figures, please. So 2,200, this is 420, this is 315, this should be 210, this should be 50,000, this should be 420, this should be 75,000. Let's start away with the cost sheet. Okay, so next page your cost sheet ka things are there. Let's continue. So Absorption costing, that's the only thing that we all know. We all don't know in this particular case कि marginal costing वो कैसे वो करते हैं, लेकिन जो आता है वो पहले start कर लेते हैं. तो cost sheet for the quarter ended. I guess the dates are not there, so forget it. Next page पे, sorry next line पे, quantity produced of finished goods. मेरे को बोलो इस quarter के अंदर कितना units of finished goods produce हुआ है? 220. Just write in front of that 220 units. And quantity sold of finished goods is कितना 160 units. I guess वो भी दिया हुआ है. So let's start to compute now. So this is your total वाला column. This is in this case your per unit वाला column. Okay. So first thing over here, direct material. So now, whenever you made one unit in this period, how much was the material cost that you all incurred? 420. So per unit के अंदर लिख लेना 420. You can write down direct labor also actually. 315. Please multiply by quantity produced. $92,400, $69,300, $161,700. Add factory overheads. सुनो बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का दो पार्ट होगा. वन ऑफ देम इज वेरिएबल, अदर ऑफ देम इज फिक्स्ड. तो वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो पर यूनिट कितने रुपीस का है? 210. सो 210 इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, दिस इज 220, सो 46,200. सुनो, but when it comes to fixed cost, do remember fixed cost is governed by absorption costing. और absorption costing क्या बोलता है कि सबसे पहले इधर जो amount आएगा that will always represent which amount? Absorbed amount. और अगर मेरे को absorbed amount चाहिए तो मेरे को absorption rate भी compute करना पड़ेगा. पिछले पेज पे जाओ, थोड़ा सा जगह होगा, उधर लिखो working note 2. Absorption rate. Absorption rate is equal to BOH divided by BLA. तो सुनो, याद रखना absorption rate is calculated on the first day for the entire year. हर quarter के लिए absorption नहीं निकलता है. Most of the companies they find out one rate for the entire year. तो तुमको दो चीजें वो सोचना है. मैंने क्या सोचा था? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा, फर्स्ट फिगर. और सिंगल प्रोडक्ट है तो अपने को क्या चाहिए, इस साल के अंदर कितना यूनिट्स बनाएगा. ओके, मेरे को न्यूमरेटर तो बताओ, मैंने क्या सोचा था? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक साल के लिए खर्चा कितने रुपीस का होगा? बोलो 1,60,000. वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है आपको, लिखो जरा प्लीज 1,60,000. अच्छा, अभी नेक्स्ट थिंग सुनो, अभी जरा ध्यान से. मेरे को ना यहाँ पर क्या चाहिए यार, इस साल के अंदर मैं कितना यूनिट्स बनाऊंगा. तो बोलते सर हमको क्या मालूम, व्हाट वी ऑल हैड एस्टिमेटेड. तो आई एम गिविंग यू नॉट थ्री ऑप्शंस, आई एम गिविंग यू सम अदर एग्जांपल, देन यू अप्लाई दैट एग्जांपल टू दिस. देखो, कभी भी तुमको डिनोमिनेटर लिखना होता है, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. कई लोग बोलता है कि नीचे आप लोग मैक्सिमम कैपेसिटी लिखो, कई लोग बोलता है आप लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी लिखो, कई लोग बोलता है कि आप नॉर्मल कैपेसिटी लिखो। अभी ये तीनों चीजों का मतलब, these three are estimated figures only, but how do you estimate? First, maximum capacity। maximum capacity मतलब hypothetically सोचो यार इस साल के अंदर मैं max to max कितना यूनिट्स बना सकता हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। साल के अंदर 365 days होएगा। every day workers will come to the factory for 8 hours, every hour all my workers combined can produce 100 units। अगर तू आंसर ऐसे निकालता है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्स कैपेसिटी, मैक्स टू मैक्स इतना बना सकते हो। सेकंड, तो बोलते सर ये तो फेंकने वाली बात हो गई, आप इतना कैसे बनाओगे? मैं पूछता हूँ क्यों? सर 365 डेज के अंदर से 52 तो संडेज विल कम, ओके, फैक्ट्री विल बी क्लोज्ड। सर इंडिया इज नोन फॉर पब्लिक हॉलीडेज, ओके, से दैट दे विल बी से 70 मोर तो पब्लिक हॉलीडेज, सर दैट टाइम ऑल्सो फैक्ट्री विल बी क्लोज्ड ओनली, ओके। सर वर्कर लोग 8 आवर्स इकट्ठा थोड़ी काम करेगा, ओके, सपोज 2 आवर्स इज ए लंच ब्रेक, टी ब्रेक अप एंड सो ऑन। बीच में सपोज मशीन्स विल गेट ओवरहीटेड, आई विल हैव टू शट डाउन द मशीन्स फॉर सम टाइम, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डाउन टाइम, ओके। तो सर 2 आवर्स विल बी लॉस्ट इन दैट ओनली, ओके। और सर ये जो आपने 100 ये बोला ना कि वर्कर्स विल प्रोड्यूस 100 यूनिट्स पर आवर, सर यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू डोंट नो अबाउट योर वर्कर्स, दे आर थर्ड क्लास पीपल। सर वो लोग 80 यूनिट से ज्यादा एक घंटे के अंदर तो बना ही नहीं सकते, ओके। अगर आंसर ऐसे निकालोगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल कैपेसिटी, बी प्रैक्टिकल, ओके। ज्यादा वो वाला चीज नहीं बोलने का विच इज नॉट पॉसिबल, यू ट्राई टू से समथिंग दैट इज पॉसिबल। अभी आई एम नॉट सेइंग ये वाला आंसर 1 लाख आ रहा है, लेकिन सपोज ये 1 लाख आ रहा है, ओके, सपोज ये वाला जो आंसर है ये 60,000 आ रहा है। I'm asking you one question, fill in the blanks। अगर मैं चाहूं तो in 1 year I can produce कितना units? Will you write down 1 lakh or will you write down 60,000? 60, sir 1 lakh is not possible, sir, okay, but I only want to produce in this year 50,000 units, okay। को बोलो सर क्यों, आपको कम क्यों बनाने का है, डिमांड ही नहीं है, फिर ज्यादा बना के मैं करूं क्या? दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कैपेसिटी, ओके। नॉर्मल कैपेसिटी इज दैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी दैट वी वुड विश टू अचीव। this is something that I can do, this is something that I would wish to do, this is something that I would like to do, okay। just trying to give you an example। मैंने सपोज आज सोचा तुम्हारा क्रैश कोर्स अभी अभी स्टार्ट किया है, नॉन स्टॉप 4 दिन लेगा, फॉर 24 आई विल फिनिश इट ऑफ, ओके। उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट फिनिश्ड, आई विल पक्का गेट फिनिश्ड, ओके, दैट्स माई मैक्स कैपेसिटी। मैं वो नहीं सर वो आप नहीं कर सकता, तो वो फेंकने वाली बात है, यस। सो अभी फेंकने वाली बात वो नहीं करते। आई कैन टेक योर लेक्चर्स फॉर 12 आवर्स, उतना मेरा कैपेसिटी तो है, बट आई वुड लाइक टू टेक योर लेक्चर्स ओनली फॉर 10 आवर्स, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड विश टू डू। नाउ यू ऑल टेल मी वन थिंग, इफ यू एवर हैड अ चॉइस कि आप डिनोमिनेटर के अंदर इन 3 में से एक नंबर निकाल के दो, मेरे को बोलो इन 3 में से डिनोमिनेटर के अंदर कौन सा नंबर जाएगा? नॉर्मल, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचूंगा इस साल का मेरा फिक्स फॉरेस्ट का खर्चा कितना, सेकंड इस साल में कितना यूनिट्स बनाऊंगा, अगर चाहता तो कितना बना सकता था 60, बट आई डोंट वांट ओनली, ओके, आई ओनली वांट टू बी मेकिंग 50,000। सो एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन विच कैपेसिटी बॉस? नॉर्मल, ओके। हाँ, अगर ये मैं तुमको कभी ना दूं, I will always assume this is my practical and normal both, but if I give you a separate data then I am always interested in normal capacity, ठीक है। तो एक काम जरा करो, इस क्वेश्चन के अंदर जरा चेक करना, उन लोगों ने normal capacity तुम लोगों को दे रखा है, the normal level of activity for the year is 800 units, so यहाँ पे लिख लेना 800। तो absorption rate is 200 per unit। अच्छा, एक छोटा सा जरा काम करो, पेज नंबर 2.53 पे आओ इन योर टेक्स्ट बुक। वहां पे पॉइंट नंबर 6 है, 7 है, नेक्स्ट पेज पर 8 है और 9 है, which I have explained you right now। maximum or installed capacity is page number 2.53। maximum or installed capacity is a level of activity without considering holidays and loss of time। second, practical capacity is the level of activity after considering holidays and loss of time that you all know now. Next page pe chalo. Although practical capacity is a capacity a company can use, normal capacity is a capacity a company wishes to use. Absorption rates are usually calculated in reference to, underline करके वो रख लेना, normal capacity. चलो, come back please. This now ये रेट का मतलब मैंने तुमको क्या बोला था, जब भी एक यूनिट बनेगा चार्ज 200 रुपीज. ओके, सो वी शैल बी डूइंग इट. मेरे को बोलो इस क्वार्टर के अंदर कितना यूनिट्स बना है? 220. तो पहले यहां पर लिख के रखो 200. Whenever one unit will get produced, we will charge 200. और कितना यूनिट्स वो बना है? 220. सो 200 into 220, 44,000. सर अभी पिछले पेज पे जाओ तो हमारे पास 3 लाइन शायद वो बाकी वो होएगा. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग ओवर देयर. वर्किंग नोट नंबर 3 अंडर स्लैश ओवर एब्सॉर्प्शन. सुनो, क्योंकि क्या है, हाउ यू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन विल चेंज माई आंसर. ओके, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है. लिखो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. अभी अभी कॉस्ट शीट के अंदर वही दिखा अपने को 44,000 लेस एक्चुअल अमाउंट. अच्छा, तुम्हारे पास किधर ना किधर टेक्स्ट बुक के अंदर वो लिखा हुआ है, या तुम लोगों ने लिखा या प्रिंटेड था, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू. मेरे को बोलो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का इस क्वार्टर का खर्चा कितने रुपीस का हो गया? 50,000. तुम लोगों ने यहां पर शायद निकाल के रखा हुआ था 50,000. तो दिस इज 6,000. ये अंडर एब्जॉर्प्शन है. अच्छा मेरी बात सुनो, अभी ना एक कॉल यू विल हैव टू टेक एंड वी विल पुट अ नोट ऑन पेज 1.3 बिलो. सुनो, ये 6,000 के लिए ना यू विल हैव 3 ऑप्शंस. ईदर यू कैन कैरी फॉरवर्ड, और यू कैन पुट इट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यू कैन फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड. मैं तुमको तीनों मेथड्स वो बता देता हूं कि कैसे काम वो करते हैं, देन व्हाटएवर यू ऑल वांट यू ऑल कैन फॉलो दैट. ओके सुनो, 6,000 कैरी फॉरवर्ड कर लो. अगर कैरी फॉरवर्ड करने का है फिर कुछ मत करो. नाउ यू कंटिन्यू द कॉस्ट शीट, क्योंकि 6,000 विल गेट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड. ओके, सो देन देयर इज नथिंग फॉर मी टू टेल यू. सेकंड यू ट्रांसफर इट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. जब आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आने लगेगा उससे पहले इधर 6,000 रुपीज यू ऑल कैन राइट. दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड. ओके, लास्ट मेथड सप्लीमेंट्री मेथड, फ्रेंकली द इजीएस्ट. उसका मतलब क्या होता है, जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लिखा उसी के साथ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी डाल दो. ओके, दैट विल बी नथिंग बट इन दिस केस योर सप्लीमेंट्री मेथड. मोस्टली इन एग्जाम्स दे विल टेल यू विच मेथड टू फॉलो. मोस्टली दे विल टेल यू कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री. इफ दे डू नॉट से फॉलो वन ऑफ दीज टू मेथड्स, ओके, एंड पुट एन अजम्पशन फॉर दैट. ओके, नाउ आई एम द सीनियर मोस्ट इन दिस क्लास, सो आई विल फॉलो माई अजम्पशन. ओके, सो लेट्स फॉलो से सप्लीमेंट्री मेथड. तो पेज नंबर 1.3 पे नीचे यू ऑल राइट डाउन, in absence of information we assume that company follows supplementary method. चलो, तो अगर सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर रहे हो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन उधर ही आता है जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है. तो यहां पे लिख लेना under absorption. अच्छा, अंडर एब्जॉर्प्शन बॉस कितने रुपीस का था यार? 6000। 3 डिवाइड 6000 बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो पर यूनिट मिल जाएगा। दिस इज 27.27। चलो, this will give you in this case your factory cost. तो एड अप कर लो 161,700 प्लस 46,200 प्लस 44 प्लस 6 257,900 डिवाइडेड बाई 220 1172 0.27। अच्छा, यहां पे ना अपनी रेफरेंस के लिख के वो रख लेना, दिस इज द कॉस्ट फॉर 220 यूनिट्स दैट यू ऑल हैव प्रोड्यूस्ड। सुनो, अंडर न्यू फॉर्मेट्स ऑफ कॉस्ट शीट अभी एडमिन वगैरह इधर नहीं आता, जो तुम्हारा एडमिन है वो एसएनडी के साथ आता है, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ टाइम फॉर अस टू बी एडजस्टिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पे लिख के रखो एड opening stock of finished goods less closing stock of finished goods . So this will give you what here? COGS. COGS is a cost of those units that are sold. Kitna units have been sold? 160. अच्छा सुनो, आपके पास फिगर्स जो बजटेड था एक साल का था, लेकिन आप लोग फर्स्ट क्वार्टर का ही स्टेटमेंट्स वो बना रहे हो, समझ में आएगा। फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक इज आल्सो ओपनिंग स्टॉक फॉर द एंटायर ईयर। तो पिछले पेज पे जरा जाओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा कितने यूनिट्स का था? 20। यहाँ पे लिख के रखो 20। ये इसके लिए बोला ताकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तुमको पता चल जाए। सुनो मेरी बात, 20 शुरू में था बॉस, 220 और बनाया तो कितना हो गया? 240। उसके अंदर से हाउ मच हैज बीन सोल्ड? 160। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का हो जाएगा? 80 यूनिट्स। सुनो, बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज फॉलो फीफो मेथड। तो अपना ओपनिंग स्टॉक बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर का प्रोडक्शन, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट ईयर? 1172.27 लिखो। कैलसी लो, 1172.27 into 80 units. This will give you 93,782, no? ठीक है, I'll take that as 2 only then. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक वो पेंडिंग है, मैं वो थोड़ी देर में करता हूं। सुनो, एड क्वेश्चन के अंदर जरा देखो कौन कौन से खर्चे बच गए। सर जो भी बच गए इस स्टेटमेंट के अंदर भी तो वो लिखे हुए थे। एक वेरिएबल एसएनडी, तो लिखो इधर जरा प्लीज, ऐड वेरिएबल एसएनडी ओवरहेड्स। पर यूनिट कितने रुपीस का था वो? 420। बॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के क्वांटिटी सोल्ड, सो 420 into 160, 67,200। आगे ऐड और क्या आ जाएगा इधर फिक्स्ड एडमिन स्लैश एसएनडी। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, इस एक्सपेंस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है उसका पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है और अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। लेकिन जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई ही नहीं होता उसके लिए वो सब कुछ झंझट कभी आता ही नहीं, डायरेक्टली पीरियड खत्म हुआ, जितना भी तेरा एक्चुअल खर्चा है तू रिकॉर्ड कर, इट इज ऑल फिनिश्ड। तो एक्चुअल फिक्स्ड एडमिन और एसएनडी का खर्चा कितने रुपीस का हो गया? 75,000 पर यूनिट कंप्लीट करने का है तो प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज 160, 468.75 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी अपने को तो मिलेगा नहीं क्योंकि वी डोंट हैव ओपनिंग स्टॉक, सो वी विल जस्ट वेट फॉर दैट नाउ। उसके बाद ऐड प्रॉफिट, एंड गेट सेल्स। तो सेलिंग प्राइस बॉस 2,200 था, obviously multiply 2200 by quantity sold, please, I'll give you sales for this period, so that is 3,52,000. Just so. Lastly, now I will require some assumption to finish it off. सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो just as current year's closing stock is valued at current year's factory cost, last year's closing stock will get valued at last year का factory cost। अभी वो कितना था वो मेरे को थोड़ी मालूम है। अगर तुमको कुछ झंझट वो नहीं चाहिए, मेरे को झंझट चाहिए वैसे, लेकिन अगर तुमको कुछ झंझट वो नहीं चाहिए, you can assume this sir last year का factory cost आगे बोलो is same as current year का factory cost, so you can assume opening stock to get valued at what figure यार 1172.2। अगर वो करने का है that's okay, मेरे को थोड़ा सा कुछ तुम्हारा mind वो develop करना है और कुछ नहीं, so I'm trying to go for some alternate assumption, okay? तो सुनो अभी जरा ध्यान से, just as current year's closing stock is valued at current year का factory cost and current year का factory cost consists of DM, DL, variable factory overheads, fixed factory overheads and under या over absorption का rate, last year का factory cost will also consist of these five figures, but obviously figures of last year which of course I do not have in the question, okay? So I am assuming one assumption for each one of them। मेरे ध्यान से मेरी assumptions की list सुनना। I assume last year material cost was 400 per unit only। इस साल भी जरा याद करो कितना होना चाहिए था? 400, वो तो बढ़ गया था। I assume last year 400 ही था, ठीक है? First, second, I assume direct labor per unit 300 ही था। I assume variable factory overheads 200 ही था। तो एक सेकेंड, इतना तो लिख देता हूँ, 400, 300, 200। अभी ना जरा सोचो, अभी लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? मैं बोल देता हूँ लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन रेट भी 200 ही था, ठीक है? अभी ना मेरे को ये वाला चीज निल लिखने का है, अभी मेरे को इसके लिए कोई असम्पशन नहीं मारने का है, लेकिन अगर निल भी लिखने का है असम्पशन तो मारना पड़ेगा। आई अज्यूम लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाज 0। तुमको समझ में आता है? अगर मैं पिछले साल का कॉस्ट शीट बनाऊं तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया रहेगा? 400, 300, 700 plus 200, 900 plus 200, 1100, okay? With the help of all these assumptions, I assume last year का मेरा factory cost कितने रुपीस का था? 1100, that will become closing stock का valuation for last year, will become opening stock का valuation for this year। यहाँ पे लिख के रखो 1100, that list of assumptions I will give you। Any other assumption is all fine, it's just an assumption, just I wanted your mind to get developed, there's nothing else as such। तो 1100 इंटू 20 कितना आ जाता है बेटा 22,000. चलो आर ऑल दी जॉब्स आर डन ओनली जस्ट फिनिश ऑफ द फिगर्स नाउ. सो 22,000 प्लस 257,900 माइनस 93,782. एक बार वेरीफाई कर लेना. आई एम बैड एट कैलकुलेशंस. 186,118. अच्छा पर यूनिट अगर निकालने का मन कर रहा है नॉट कंपल्सरी ऑल्सो, लेकिन अगर निकालने का मन कर रहा है प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड. ओके वरना नहीं भी निकालोगे दैट्स ऑल फाइन यार. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टोटल प्रॉफिट. 67,200 75,000 ऐड करो 328,318 माइनस 3,52 23,682 पर यूनिट. COGS के बाद नहीं भी कंप्यूट करते दैट इज ऑल फाइन. चलो सुनो यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के उधर वर्किंग नोट 3 लिख के रखो और पेज नंबर 1.4 पर वो नीचे वो जगह है वहां पे लिखो वर्किंग नोट 3. पेज नंबर 1.4 पे नीचे वर्किंग नोट 3. राइट ऑन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. Valuation of opening stock. Next time we go first. We assume last year's DM, DL and variable factory overheads to be 400, 300 and 200 respectively. Second, last year's absorption rate was 200. Third, last year's under/over absorption was 0. Next, therefore, opening stock has been valued at 400 plus 300 plus 200 plus 200 is equal to 1100. So, देखो, your absorption costing is all over whatever I had to try to teach you all. Okay, तो सुनो, just एक recap के तौर पे absorption costing के अंदर Only for fixed overheads you have to do these three things. पहले absorption rate निकालो, फिर उसके बाद absorbed amount मिल जाएगा, उसके बाद actual amount देके under या over absorption वो निकाल लो, and then try to think how to treat this and finish off your answer. ठीक है, that's it. There's nothing else as such. Okay. Now in this case we'll try to do the next thing. देखो, अभी marginal costing अगर start करना है ना, there has to be some drawback of this system before we start with that. Okay. I am just trying to discuss the drawbacks. Okay. तो एक काम जरा करो पेज नंबर 1.1 पे देयर इज अ डिफरेंशिएशन का टेबल. अच्छा नाउ आई रिक्वायर जस्ट सम अकाउंट्स ऑफ योर्स टू बी गुड नथिंग मच. सुनो फर्स्ट जरा सोचो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या हो जाता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स अ पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन सर फिक्स्ड कॉस्ट कभी पर यूनिट तो नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ लमसम कॉस्ट। आई कैन नॉट ट्राई टू थिंक बिकॉज आई एम डूइंग अ क्रैश कोर्स रेंट पर स्टूडेंट इज हाउ मच, ये सब चीजें तो दिमाग में भी नहीं आता। दिस इज ऑल बुलशिट कंसेप्ट ओनली। ओके, अल्टीमेटली फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर अ सर्टेन ईयर। आई पे रेंट फॉर 1 year, आई डोंट पे रेंट बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। व्हेन रेंट इज नॉट कनेक्टेड ओनली टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ द हेल यू ट्राई टू अराइव एट अ टर्म फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी पर यूनिट नहीं होता, इट्स अ लमसम कॉस्ट। तो वहां पे लिख के रखो फिक्स्ड स्टोरेज ट्रीटेड एज, लिखो प्रोडक्ट कॉस्ट, पेज नंबर 1.1, फिक्स्ड स्टोरेज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। स्क्रीन पे देखो, इफ योर अकाउंट्स इज गुड, तुमको इतना समझ में वो आ जाएगा। देखो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स 50,000 रुपीस का इधर लिखा, 50,000 जरा कैलसी के ऊपर लो, उसको 220 यूनिट से डिवाइड करो, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ओके, 227.27। तो क्या हुआ, मैंने इधर 50,000 रुपीज लिखा तो सही, ओके, लेकिन क्या हो गया, पार्ट ऑफ दैट फिगर विल गो इनसाइड माय क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो। जरा सोचो 1172.27 के अंदर बॉस 227.27 का तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है, ओके, तो तुम्हारे कैलसी के ऊपर 227.27 वो पड़ा हुआ है, उसको इंटू 80 यूनिट्स करो, इंटू 80 यूनिट्स। ये जितना भी अमाउंट आता है 18182 के आसपास, ओके, जरा सोचो इस फिगर के अंदर, 18182 का कौन सा अमाउंट है बॉस, फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर 50,000 के अंदर से 18182 इधर ही चला गया, मतलब ये वाला अमाउंट इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला गया। और अगर वो इस साल नहीं राइट ऑफ होएगा, मेरे को बोलो कभी राइट ऑफ होएगा, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो चला जाएगा। तो मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग ये हुआ, तुम्हारे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ दिस ईयर, पार्ट ऑफ देम विल गेट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड देयरफॉर विल गेट रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। तुमको समझ में आता है? जरा सोचो, यू माइट हैव लर्न वन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स इन लाइफ एंड दैट इज सर देयर शुड बी अ मैचिंग कांसेप्ट। ओके, जरा सोचो दिस इज कॉस्ट शीट ऑफ दिस ईयर, 50,000 इज द एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, सो दिस ईयर इज ओवर। मेरे को बोलो विल रेंट पेड ऑफ दिस ईयर गिव यू एनी बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर? नो। तो पूरा का पूरा राइट ऑफ तो होना चाहिए ना, लेकिन तू राइट ऑफ नहीं करता क्योंकि ये वाला अमाउंट किस अमाउंट के अंदर चला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाएगा तो वो राइट ऑफ नहीं होगा। खुद ब खुद जरा सोचो, अगर तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट राइट ऑफ नहीं हुआ, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो भी गलत ही आएगा क्योंकि तुम्हारा कई एक्सपेंसेस तो राइट ऑफ ही नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा प्रॉफिट्स विल बी ओवर स्टेटेड, ये लैंग्वेज समझ में आता है, क्योंकि सम एक्सपेंसेस आर नॉट रिटर्न ऑफ। अगर तुम्हारा प्रॉफिट्स गलत है, तुम्हारा डिविडेंड्स भी गलत होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, लिखो, नॉट रिटर्न ऑफ। Third, profits and dividends are incorrect. Profits and dividends are incorrect. Fourth, सुनो मेरी बात, अभी क्या करना, अभी आज जब भी लेक्चर वगैरह खत्म हो जाएगा, तुमको कुछ काम नहीं रहेगा, ओके, तो तभी एक चीज टाइम पास के लिए वो कर सकते हो। I tell you, suppose quantity produced इस क्वेश्चन के ना कितना था, 220, क्वांटिटी सोल्ड कितना था, 160। अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं टाइम पास के लिए, तो घर पे जाके वी ट्राई टू थिंक सर मैं ना 100 यूनिट और बनाता हूं, सर मैं बेचूंगा नहीं लेकिन 100 यूनिट और बनाता हूं। तो आप लोग क्या कर देना, यू मेक योर प्रोडक्शन एज 320, ओके, यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन, बट आई डोंट वांट टू बी टचिंग माय सेल्स, ओके, माय सेल्स विल रिमेन 160 ओनली। तो कैन वी से जो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाऊंगा दैट विल डायरेक्टली गो इनसाइड द क्लोजिंग स्टॉक आल्सो, ओके। तो जरा सोचो फिर ये जो ब्लू वाली फिगर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, सर दिस विल बिकम कितना यार, 320, दिस विल रिमेन सेम ओनली, दिस 80 विल बिकम हाउ मच, 180, बट क्वांटिटी सोल्ड विल रिमेन सेम ओनली। तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ी जाएगा, ये वाला चीज होएगा ही होएगा। क्यों? क्योंकि जरा सोचो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, आई विल मेक फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। अगर तू नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ना, तो तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। तुमको समझ में आता है? तुम्हारे क्रैश कोर्स में इतने बच्चे लोग हैं, अगर डबल होते थियोरेटिकली स्पीकिंग रेंट पर स्टूडेंट विल बिकम हाफ, नो ओके, तो ऑटोमेटिकली द प्रॉफिट विल स्टार्ट टू राइज। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक चीज होता ही होता है, whenever you will try to do more production, automatically what will start to rise over here? Profit. ये खुद ब खुद होएगा ही होएगा, क्योंकि तुम्हारे closing stock है ना, more units will be there, so more amount of fixed storage will go inside your stock. तुमको समझ में आता है चीज? Okay. तो automatically एक question जो exams के ना वो बहुत आता था, that is absorption costing gives you a incentive for over production. वो होता ही होता है, because the moment you try to produce more, automatically profit start to increase. तो olden days के अंदर whenever companies just wanted to show more profit, okay, just ताकि the share prices can get lifted, वो लोग बस production करते ही रहते थे। तो production वो करते रहो, automatically the profits will start to rise। लेकिन तुमको समझ में आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा ना when you will have excess stocks, okay, and ultimately you will be forced to sell that particular stock, might be at a lower rate, that time your profits will start to go vertically down. लेकिन उससे पहले जो भी तुम्हारे पीरियड्स हैं तब तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। इनफैक्ट अगर मेरे को तुमको कुछ बताना हुआ अभी अभी, तो तुमको अभी अभी भी वो बोल सकता हूं। अभी क्या हुआ, 50,000 के अंदर से कितना फिक्स्ड कॉस्ट राइट ऑफ नहीं हुआ, 18182, क्योंकि वो किधर चला गया, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। इफ आई वुड हैव टोल्ड यू लेट अस प्रोड्यूस 100 मोर यूनिट्स एंड पुट देम इन स्टॉक, तो कैलसी लो, 50,000 डिवाइडेड बाय, अगर मेरा प्रोडक्शन 320 हो जाएगा तो 50,000 अपॉन 320 मारो, यह आता है 156.25 इनटू, लेकिन तभी क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का होएगा, 180, तो इनटू 180 मार, 28,000। तुमको समझ में आएगा दैट अमाउंट इज फार मोर एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तब 50,000 के अंदर से इतना अमाउंट, आगे बोलो, will go inside the closing stock and therefore वो इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा, वो कब राइट ऑफ होएगा, नेक्स्ट ईयर। तो प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा ना इन दिस केस, ओके। सो समवेयर और द अदर वी ऑलवेज से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नॉट अ गुड टेक्निक। तो फोर्थ पॉइंट जरा लिखो, प्रॉफिट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस। आगे फिफ्थ, स्क्रीन पे देखो स्टॉक्स। मैंने यहां पे स्टॉक जब भी वैल्यू किया ना, चाहे ये वाला फिगर चाहे ये वाला फिगर, ये सब केसेस के अंदर मेरे ख्याल से फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आया ही आया ना, तो लिख के रखो स्टॉक्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। अच्छा सुनो, याद रखना एक चीज, इन रियलिटी नो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किधर भी यूज नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ही जगह पे यूज होता है, एंड दैट इज टू मेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर, तुम्हारे रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर, दैट यू ऑल माइट हैव स्टडीड, ओके, 1 मई 1999 को दिस पर्टिकुलर थिंग हैज कम, और इंड एस 2 के अंदर भी, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली नथिंग बट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ओके। ऑल ऑफ देम टेल यू दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बस, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हैज ओनली वन यूज इन रियल लाइफ, इट इज यूज टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर इज नो अदर यूज। तुम लोगों ने आईपीसीसी के अंदर जो भी पढ़ा उसको वो भूल जाओ, इन रियलिटी ऑल दो थिंग्स आर ऑफ नो यूज, ओके। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ही चीज के लिए काम में वो आता है, वेन एवर आई हैव टू फाइनलाइज माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स teach me that it has to be prepared using absorption costing. तो लिखो a technique for bookkeeping. सेवेंथ पॉइंट मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, सुनो। नाउ दिस इज ऑल डन फ्रॉम माई साइड। अभी सेकेंड थिंग, लिसन, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवे विद मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ when I'm doing marginal costing right now, तो अब जरा मेरी बात सुनो, मार्जिनल कॉस्टिंग फार सिंपलर फार इजियर। वो क्या बोलता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दुनिया में कुछ नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ लम सम फिगर। बॉस रेंट दिया, रेंट पर यूनिट क्या होता है, रेंट दिया बस, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट इस साल का था, कॉस्ट शीट इस साल का है, ये साल खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा रेंट तेरे को राइट ऑफ करना चाहिए। तेरे फिक्स्ड कॉस्ट इस साल के होते हैं, ये साल खत्म हो गया, राइट ऑफ नहीं करेगा तो और क्या करेगा। ओके, सो व्हेन यू ट्राई टू डू मार्जिनल कॉस्टिंग, इतना सारा स्टेप्स नहीं होता, वो 2 मिनट का काम है। दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट, काय का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, काय का अंडर एब्जॉर्प्शन, वो जाने दो सब कुछ। तेरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा इस साल का कितने रुपीस का है, 50 था, योर दिस ईयर इज ओवर, नो यू राइट ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट इन योर कॉस्ट शीट। अगर मेरे को कोई भी एक्सपेंस राइट ऑफ करना होता है तो फिर मेरे को 50,000 रुपीज इधर नहीं लिखना चाहिए, तो फिर मेरे को जो है वो जो 50,000 रुपीज है वो इधर नहीं लिखना चाहिए। आई शुड ट्राई टू ट्रांसफर इट इन दिस पर्टिकुलर केस बिलो COGS। जरा सोचो, अगर मैं कोई भी एक्सपेंस COGS के नीचे ही लिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो ही जाएगा। तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हो, देयर इज ओनली वन चेंज टू योर कॉस्ट शीट, ओके, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द थिंकिंग बॉस मार्जिनल कॉस्टिंग से फिक्स्ड कॉस्ट राइट ऑफ कर देने का, ओके बस। और अगर कोई भी चीज राइट ऑफ करनी है तो उसको किधर डाल देने का, COGS के नीचे। अगर उसको COGS के नीचे वो डालोगे तो वो स्टॉक के अंदर नहीं जाएगा, अगर स्टॉक के अंदर नहीं जाएगा तो वो राइट ऑफ हो ही जाएगा यार। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू फ्रेम अ न्यू कॉस्ट शीट, ओके। तो बाजू में पेज नंबर 1.4, दिस शुड बी अ फास्टर वर्क फॉर अस, लेट अस स्टार्ट। तो मोस्ट ऑफ द फिगर्स यू विल बी एबल टू कॉपी, सो डायरेक्ट मटेरियल्स, direct materials 92,400, 420, direct labor 69,300, 315, prime cost 161,700, 735, factory overheads वेरिएबल फिक्स्ड। 1 मिनट, लेकिन अभी फिक्स्ड वाला पार्ट तो नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, वेरिएबल। 46,200, 210 टोटल कर लो। दिस विल बी द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 220 यूनिट्स। तो 735 प्लस 210, 945 इंटू 220 यूनिट्स, 207,900। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस विल गिव यू COGS, obviously 20 units, obviously 80 units, of course 160 units. अच्छा, अब मेरे को दो चीज सोच के बोलना, क्योंकि दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच विल बी चेंजिंग बराबर से। तुमको जो भी चाहिए यू ऑल नो नाउ। मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, एक नंबर बोलो, क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, नंबर बोलो 945, तो लिखो इधर 945। यह आ जाएगा 75,600। अच्छा, अभी इंटेलिजेंस सुनो मेरी बात, कुछ ना कुछ और पढ़ना, दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या पढ़ना। मेरे को बोलो यहां पर इन एग्जाम्स तुम लोग क्या नंबर लिखेगा, बोलो। चलो आई विल टेल यू ऑल्सो वे टू सी। वर्किंग नोट 3 देखो, obviously मेरे को जरा बोलो इन वर्किंग नोट 3 विच assumptions do not make any sense only now। सेकेंड एंड थर्ड असम्पशन आर मीनिंगलेस हो ना, क्योंकि सेकेंड और थर्ड असम्पशन किस चीज के बारे में बात करता था, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अभी तो वैसे भी मार्जिनल कॉस्टिंग है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है फिक्स्ड ओवरहेड्स विल नॉट एंटर योर स्टॉक ओनली, नो, सो देयरफॉर इफ फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट एंटर योर स्टॉक ओनली विच कॉस्ट विल एंटर योर स्टॉक, वेरिएबल। और वेरिएबल के लिए असम्पशन तुम्हारा था कि ये लास्ट ईयर कितना था 400, ये लास्ट ईयर कितना था 300, ये लास्ट ईयर कितना था 200। सो इफ माय अजम्पशंस आर इंटैक्ट ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 900, 900 into 20, 18,000। ये कितना था बेटा 150, 300। अगर पर यूनिट चाहिए प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, वरना वो वाला काम नहीं भी करोगे तो भी वो चलेगा। कोई और कलर का पेन है तो यहाँ पे लिख के रखना, दिस इज योर मेजर चेंज, एड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो याद रखना अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है, एब्जॉर्प्शन रेट कुछ नहीं होता, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कुछ नहीं होता, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता। पीरियड खत्म हुआ, तेरे पास एक ही अमाउंट आएगा, एक्चुअल अमाउंट। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल अमाउंट इज 50,000। अगर बस फॉर्मेलिटी करनी है टू कंप्लीट द कॉस्ट शीट यू कैन ऑलवेज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड टू गेट पर यूनिट, वरना वो नहीं भी करोगे दैट्स ऑल फाइन। बस इसके बाद आई कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम ए ओल्डर कॉस्ट शीट, वहां पर कुछ चेंज नहीं होएगा। एड मैं कॉपी कर लेता हूं, तुम लोग लिखो। This will give you cost of sales and profit get sales. $352,000 प्रॉफिट निकाल लेना प्लीज। कितना आता है बेटा प्रॉफिट, कितना आता है 9,500। चलिए सुनिए, पार्ट ए इज ऑल डन, पार्ट बी इज ऑल डन, पार्ट सी पे आइए। Why there is a difference between answers to A and B? Okay. So if you ever have to find out why two things are not same, you can always try to prepare a reconciliation statement. Okay. तो next page पे जाओ, वहां पे रिकंसिलेशन करके वो लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू डू रिकंसिलेशन। अच्छा सुनो, रिकंसिलेशन एनी क्वेश्चन ऑफ रिकन या बैंक रिको या तुम्हारा रिकंसिलेशन का एक चैप्टर भी था। ओके, स्टार्ट विद वन फिगर, ट्राई टू टॉक ऑफ द डिफरेंस, यू विल गेट द अदर फिगर। ओके, सो एट रैंडम आई विल स्टार्ट अवे विद दिस। लिखो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 9,500। सो अब ना ये दोनों कॉस्ट शीट्स के ना जरा फर्क तो पता करो. Why the hell there is a difference? So I am just trying to tell you what all things are same. So DM, DL, variable factory overheads, variable S&D, variable fixed admin and S&D, sales. All these figures are same only, sir. We picked them up from there only. ठीक है. अच्छा एक और चीज जरा सोचो. ये जो 50,000 रुपीज है ये इधर लिखा, लेकिन बेटा इधर भी तो लिखा. ओके तो वो वाला अमाउंट तो लिखा एटलीस्ट, लेकिन उसका पोजीशन बदल गया. अगर उसका पोजीशन बदल गया उसकी वजह से क्या ऑल्टर हो गए स्टॉक्स. तो जो भी फर्क है स्टॉक का ही फर्क है और तो कुछ नहीं है. अच्छा स्टॉक का भी एक चीज तुमको डायरेक्टली बगैर देखे भी बोल सकता हूं, सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ना स्टॉक्स हमेशा ज्यादा ही होगा क्योंकि उसके ना फिक्स्ड कॉस्ट भी तो चला जाता है. ओके तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का फर्क है या ओपनिंग स्टॉक का फर्क है. ठीक है तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आई हैव स्टार्टेड विद मार्जिनल कॉस्टिंग. I want to reach to absorption costing. लेकिन absorption costing का closing stock भी ज्यादा है, opening stock भी ज्यादा है. मेरे को एक चीज बोलो, अगर closing stock ज्यादा होता है तो profit ज्यादा होता है, तो यहां पे लिखो add difference in closing stock. तो दोनों closing stocks के बीच में difference निकालो और वो number हम लोगों ने शायद पहले भी देखा था एक बार. पहले निकालो फिर तुमको याद आएगा. ये वाला नंबर तुम लोग को याद है, दिस वॉज दैट पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो. ये 50,000 का वो वाला पार्ट था. आगे बोलो. जो तेरे किसके अंदर चला गया था, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, उसी की वजह से फर्क होएगा और तो कुछ फर्क नहीं हो सकता. ठीक है चलो तो ये हो गया एक चीज. अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है. तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. डिफरेंस निकाल लो, इधर 18 था इधर 22, तो 4,000 का ही फर्क था ना. प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तुमको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट दे देगा 23,682. अच्छा देखो जो तुम लोग टेबल वो बना रहे थे ना ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी उधर आओ, तुमको समझ में आएगा. पहले सारे डिसएडवांटेजेस नाउ बिकम ऑल एडवांटेजेस. ओके तो पेज नंबर 1.1 पर आओ. सुनो मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्स्ट बेसिक रूल, सर मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता सर, इट्स अ लमसम फिगर. तो लिखो फिक्स्ड और ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट. सेकेंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, स्क्रीन पे देखो बेटा, अगर मैंने इधर लिखा तो मतलब राइट ऑफ कर डाला ना उसको. लिखो फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिटर्न ऑफ. अगर राइट ऑफ कर दिया तो प्रॉफिट्स अभी करेक्ट ही आएगा, तो लिखो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स आर करेक्ट. प्रॉफिट इंक्रीजेस व्हेन, सुनो, Even if you will go home and now you will try the same thing जो मैंने वो पहले तुमको तो वो बोला था 220 यूनिट्स बनता था 160 बिकता था. अभी क्या करेंगे, लेट्स इंक्रीज दिस बाय 100 बट नॉट टच द सेल्स. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अगर ऐसा करोगे प्रॉफिट बढ़ गया था, हम लोगों ने वो वाला चीज देखा था. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होएगा. अभी अभी तुमको नया नंबर्स भी निकाल के दे सकता हूं. अभी अभी 220 के बदले में अगर 320 होता तो जरा सोचो ये वाला फिगर विल बी 945 इंटू 320. कुछ ना कुछ आंसर वो आ जाता है. वो करो मत वो करो मत, वो अपने को वैसे ही पता वो चल जाएगा. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 80 के बदले में कितना हो जाएगा बेटा 180. जरा सोचो क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट विल स्टिल गेट वैल्यूड एट 945 बट नाउ विल गेट मल्टीप्लाइड बाय कितना यूनिट्स 180. तो तुमको समझेगा जितना अमाउंट इधर ऐड होएगा ना, आगे बोलो, उतना ही अमाउंट इधर ही ऐड होएगा, तो तुम्हारा COGS उतना ही रहेगा जितना पहले था। बोलते सर फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ाने का? There is only one way, you increase sales. The moment sales will rise, profits will get realized. Marginal costing tries to teach you how to do business, not how to make your books of accounts. It tries to tell you, boss, तुमको profit वो बढ़ाने का है, तो obviously सबसे पहले sales बढ़ाओ यार, तो लिख के रखो, the profit increases when sales increases. Help me out with point number 5, stocks valued at. वहां पे लिखा था total cost, मेरे को बोलो यहाँ पे stocks are valued at variable cost, fixed cost तो नीचे चला गया ना, तो लिखो stocks valued at variable cost. आगे लिखो 6th, a technique for decision making. सुनो, लास्ट थिंग इज ओनली फॉर योर पर्सनल रिकॉर्ड. सुनो मेरी बात ध्यान से. अभी ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, ठीक है? अभी 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक आप लोगों ने ऐसा ही किया. सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके बाद DM आ जाएगा, DL आ जाएगा, DE आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा. 11 स्टैंडर्ड से ऐसे ही करते हो. बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आता था. सम पीपल कॉल दैट एज फैक्ट्री कॉस्ट, सम पीपल कॉल दैट एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन ये वाला जो फिगर है, नाउ गोज टू द ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद ये वाला जो नंबर है वो इधर आ जाता है. सो देयरफॉर टू फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है, बाय सेल्स यहाँ पे आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके जाओ. नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा? एक एडमिन, एक S&D, कोई भी और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हुए लाइक इनकम टैक्स वगैरह विल कम ओवर हियर. कोई भी फाइनेंशियल इनकम्स हुआ लाइक डिविडेंड रिसीव वगैरह विल कम ओवर हियर. दिस विल बी नथिंग बट नेट प्रॉफिट, ठीक है? अभी Cost sheet is made in a vertical manner. These are accounts in a traditional manner. और कुछ नहीं है. So, अभी सोचोगे ना, ये जो तुम लोगों ने फॉर्मेट 11 स्टैंडर्ड से सीखा, वहां पर देखो क्या होता है. सर फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, मतलब वेरिएबल भी इधर ही लिखते हैं. आगे बोलो, आगे बोलो. फिक्स्ड भी इधर ही लिखते हैं. अगर फिक्स्ड इधर लिखोगे ना, पार्ट ऑफ दैट विल एंटर WIP स्टॉक, part of that will also enter finished goods stock. Whenever fixed cost will enter your stock, it is which costing here? It is absorption costing. तो 11 स्टैंडर्ड से लेके आज तक आप लोगों ने कभी भी बुक्स बनाया, हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ही बनाया. दुनिया में जब भी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था ना, ओके, इन इंडिया में फर्स्ट 1999 से पहले, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हारे पास दो ऑप्शन था. ईदर यू कैन मेक दीज अकाउंट्स बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्टिंग. तो कई कंपनीज क्या करता था, दे यूज्ड टू बी मेकिंग दीज अकाउंट्स बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्ट. लेकिन अगर वो करेंगे ना कुछ चेंज हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली चेंज क्या होगा? सर चेंज ये होता है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट को राइट ऑफ करना होता है. तो फिक्स्ड कॉस्ट इधर से निकाल के किधर लिख लेगा? P&L अकाउंट के अंदर. तो दिस विल बी टू वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस इज अ न्यू फॉर्मेट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग. लेकिन तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मेट 11 स्टैंडर्ड से लेके आज तक कभी नहीं किया. सॉरी, नॉट टू वेरिएबल, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी सर, सॉरी, टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके. लेकिन तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मेट आज तक कभी भी फॉलो वो नहीं किया. क्यों फॉलो नहीं किया? क्योंकि व्हाट यू हैड लर्न, तुम्हारा पढ़ाई फर्स्ट ऑफ मे 1999 के बाद स्टार्ट हुआ था. यस और नो? कोई सीनियर सिटीजन इधर बैठा हुआ है? नहीं, तो मेरे अलावा, ठीक है? तो इन दिस केस नो. यहां पर अभी रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिस दिन आया, उसने क्या बोला? आज से मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अलाउड. ओके, सो फ्रॉम द टाइम यू ऑल हैव लर्नड योर स्टडीज, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज अलाउड, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. उससे प्रॉफिट गलत आए, जो मर्जी हो, बट टुडे ओनली थिंग दैट इज अलाउड इज रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ओके, तो रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इट क्लियरली सेज दैट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द ओनली थिंग दैट विल बी प्रिपेलिंग, दैट विल बी देयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, AS2 टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिस वाज अ चेंज. ओल्ड AS2 के अंदर दोनों ऑप्शन था एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग न्यू AS2 दिस पर्टिकुलर थिंग हैड गॉट रिमूव्ड ओके तो दैट इज व्हाई फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर स्टडीज नो ओके फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड यू वर ओनली टॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड नथिंग एल्स ओके तो कैन बी यूज्ड इन आप लोग लिख के रखो पॉइंट नंबर 7 कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स to make books of accounts. दूसरी तरफ can only be used in cost accounts as revised AS2 does not permit bookkeeping through marginal costing. अच्छा तो just for my satisfaction आज financial accounts के अंदर which technique is not allowed? मार्जिनल कॉस्टिंग लेकिन याद रखना कॉस्टिंग के अंदर एवरीथिंग इज अलाउड क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर कोई कॉस्ट स्टैंडर्ड ऐसा नहीं आया है which stops you from following absorption or marginal costing. That is why this chapter we all have done. We all have made cost sheet once using absorption costing, once using your marginal costing. Accounting standards are only applicable to financial accounts. They are not applicable to cost accounts. So cost sheets can still be made either through absorption or through marginal. That is whatever we all have done. ठीक? So now, बस एक last चीज you all tell me this much. तो मेरे को पता चल जाएगा. In this case no absorption costing का profit अलग आया marginal costing का profit अलग आया मेरे को बोलो ये दोनों profit हमेशा अलग अलग ही आएंगे same भी आ सकते हैं if one thing happens in a question मेरे को बोलो what happens in a question बोलो अगर क्वेश्चन के ना स्टॉक नहीं होगा जरा सोचो अगर स्टॉक नहीं है फिर क्या फर्क पड़ता है तुम फिक्स्ड ओवरहेड्स ऊपर लिखो या नीचे लिखो तुम्हारा आंसर तो सेम ही आएगा दैट इज वन थिंग आई विल गिव यू इन राइटिंग सेकंड सुनो अभी ना इन एग्जाम्स इफ दे विल टेल यू विच मेथड टू फॉलो फॉर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन प्लीज यू फॉलो दैट मेथड ओके मोस्टली दे विल टेल यू कॉस्ट ऑफ सेल्स या सप्लीमेंट्री ओके इफ दे विल नॉट टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग सप्लीमेंट्री मेथड इज इजीएस्ट फॉर यू टू बी फॉलोइंग आई विल टेल यू व्हाई शायद वी मेट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम ओके अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं घर जाके ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करना फॉर प्रैक्टिस अभी जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करते हो ना अगर तुम लोगों ने सोच के रखा हुआ है सर सप्लीमेंट्री मेथड ही फॉलो करेंगे अगर ऐसा सोच के रखा हुआ है तो फिर मैं क्या बोलता हूं ये चीज क्यों निकालने का 44,000 लिखा 6,000 लिखा इससे अच्छा दोनों का टुगेदर अमाउंट इज 50,000 दैट इज नथिंग बट एक्चुअल अमाउंट नो यार ओके तो तुम्हारा काफी वर्किंग नोट्स कम हो जाएगा जरा सोचो अल्टीमेटली यहां पर 50,000 ही आने ना यार ना दिस लिबर्टी यू विल ओनली हैव इफ यू विल फॉलो व्हिच मेथड सप्लीमेंट्री क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो करेगा ना तो 44,000 इधर आएगा आगे बोलो 6,000 इधर आ जाएगा तो फिर आपको बाइफर्केशन चाहिए लेकिन अगर दोनों चीजें इकट्ठा ही लिखने का है तो फिर क्या फर्क पड़ता है ओके सो दैट विल सेव योर टाइम बिकॉज योर वर्किंग नोट 1 विल गेट अवॉइडेड देखो जरा तुम्हारा वर्किंग नोट 1 क्या था जो एब्जॉर्प्शन रेट वाला ओके जो तुम्हारा जो एब्जॉर्प्शन रेट था एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू तुमको कौन सा अमाउंट मिलता है एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तुम्हारा नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट भी निकल जाएगा क्योंकि वहां पे क्या निकाला था अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिलता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन मिलता है सर अल्टीमेटली दोनों को ऐड करेगा तो कौन सा अमाउंट हो जाएगा एक्चुअल तो एक्चुअल अमाउंट तो शुरू से क्वेश्चन के अंदर था ही ना अपने पास ओके तो इफ यू एवर हैव अ चॉइस नो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस अगर सम के ने कुछ नहीं बोला अजम्पशन लिख के आ जाओ आई फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड एंड देन यूज इट टू योर एडवांटेज यहां पर कौन सा अमाउंट लिख सकता है बेटा actual amount your job will become faster सबको समझ में आ गया this I have printed towards the end of the chapter in exams it is better to follow page number 1.5 पे supplementary method because आगे लिखो we can directly write actual amount of fixed overheads and avoid calculation of absorption rate and under/over absorption. So, chapter 1 is done.